योगी सरकार के 9 महीने हो जाने के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी जब अपने ही सिस्टम की जांच में निकले तो सरकारी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का पलीता लगाते अधिकारी और कर्मचारियों को देख हैरान हो गए। दरअसल मंत्री उपेंद्र तिवारी जब एक धान क्रय केंद्र पे पहुंचे तो वहां शटर बंद कर कर्मचारी गायब मिले। यही नहीं, धान खरीद की जांच के दौरान एक किसान द्वारा 100 क्विंटल धान क्रय केंद्र को बेचा जो रजिस्टर में दर्ज था, पर जब मंत्री ने पड़ताल की तो पाया कि किसान के पास भूमि है ही नहीं और जिस भूमि को दर्शाया गया है वहां धान की उपज होता ही नहीं है। मंत्री ने माना है कि 90% तक का धान की खरीद में धांधली की बात कही गई है। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति पंजिका से लगायत सभी वार्ड की व्यवस्था की जांच की है। इस दौरान 7 कर्मी अनुपस्थित भी मिले। वहीं वार्ड में मरीजों के बेड पर फटी पुरानी चादर पड़ी थी। इस पर मंत्री ने सीएमएस को फटकारते हुए कहा है कि जब सरकार व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भरपूर धन दे रही है तो ऐसी दुर्व्यवस्था क्यों है। अनुपस्थित कर्मियों पर भी ठोस कार्रवाई करने को कहा गया है। परिसर में कुछ मरीजों से व्यवस्था संबंधित जानकारी ली गई तो पता चला कि बाहर की दवा लिखी जा रही है, अल्ट्रासाउंड भी बाहर से कराने के लिए ही भेजा जा रहा है। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड से लेकर नए अस्पताल भवन का पूरा भ्रमण किया। कई बेड पर फटी चादर दिखाई दी। इस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएमएस को फटकार लगाई और उन्होंने गरीबों का ऑपरेशन जिला अस्पताल में ही करने को कहा। बताया गया है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर की भी कमी थी जिसको पूरा कर लिया गया है। अब अगर छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए किसी डॉक्टर ने इनकार कर दिया तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बताया जाता है कि पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हो जाएंगे और जिला अस्पताल से लेकर सीएससी पीएससी तक बेहतर डॉक्टर उपलब्ध होंगे। क्या पाया? हमने खाद्यान्न विभाग का निरीक्षण किया, हमने अभी स्वास्थ्य विभाग का किया और अभी धान से लेकर के कई केंद्रों पर हम लोग को जाना है। हमारे साथ एडीएम साहब, सीडीओ साहब, प्रभारी डीएम साहब मौजूद है। हम लोग डीएसओ ऑफिस में गए, जिला फूड ऑफिस में, वहाँ का डीएसओ खुद नदारद मिला। न उनकी इन्फॉर्मेशन जिलाधिकारी के यहाँ है, न सीडीओ और न एडीएम के। पता चला कि वो बनारस में मौजूद हैं, सरकारी गाड़ी लेकर के सरकारी दफ्तर में वो गैर हाजिर मिले और वो अनुपस्थित मिले, उनका ड्राइवर अनुपस्थित मिला, यानी गाड़ी भी उनके साथ साथ बनारस में। इसके अलावा जो सेकंड नंबर के दिनेश कुमार थे ए आर ओ, वो भी अनुपस्थित मिले। इन दोनों लोगों की ना कोई अप्लीकेशन थी ना कोई शिकायत। अभी हम लोगों को शिकायत मिली थी आज से 7-8 दिन पहले, लगभग 270 क्विंटल खाद्यान्न पकड़ा गया था से जब माल निकलेगा तब। उसके बावजूद भी खदान माफिया यहाँ पे लार्ज स्केल पे गरीबों के आगे का नवाला छीन करके वो बिहार के रास्ते बांग्लादेश पहुँचाते हैं और उसी दिशा में हम लोग गए जिसमें जिला पुलिस अधिकारी स्वयं अनुपस्थित मिले, एआर अनुपस्थित मिला। अभी एक टीम पहुंची हुई है, यहाँ से जाएगी सीडीओ साहब के नेतृत्व में और वहाँ एसडीएम साहब मंडी में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं जरूर कहीं न कहीं वहीं पर बुराइयाँ भी होती हैं। कष्टकार के नाम पे कहीं से इन्होंने खसरा खतौनी निकाला होगा, कष्टकार के नाम का भी इन्होंने दुरुपयोग किया होगा और मिली जुली भगत से जो तंत्र है इनका कहीं न कहीं गड़बड़ी किया होगा, उसी की जांच और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे। ट्रक पकड़ा गया था उसमें भी कार्रवाई हुई, 11 लोग सस्पेंड थे उस समय। इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? इसमें भी एडीएम साहब नोडल हैं यहाँ के जिले के, जांच करेंगे इसमें, ये जांच करके पूरा सत्यापन करने के बाद जो जितने दोषी जनाएंगे उन सबके खिलाफ। उत्तर प्रदेश से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट।